नमस्कार पॉजिटिव भारत को स्वागत करुछि मु स्मृति लग्ना। प्रथमे नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। उत्तर प्रदेश रु देश को 10,000 कोटी रो विभिन्न प्रकल्प भेटी देले प्रधानमंत्री। गोरखपुर एम्स हॉस्पिटल सार कारखानार कले उद्घाटन। प्रति जिल्ला रे मेडिकल कॉलेज निर्माण लक्ष्य। डबल इंजिन सरकार रे विकास रो गति दुई गुण कहले मोदी। ओमिक्रॉन वेरिएंट चिंता भितरे देश पाई भल खबर। दिनकरे 6,822 नुआ केस चिन्हट। 18 मासरे सर्वनिम्न एक्टिव केस लोड। 554 दिन रे सर्वनिम्न। पारादीप आईओसीएल रे निवेश करिबो रुषिया। पुतिन मोदी मीटिंग परे चुक्ति स्वाक्षर। प्रधानमंत्री पूर्वोदय मिशन रे धर्मेन्द्र प्रधान प्रयास मिलला सुफल। ओडिशा रे पुंजी निवेश नहीं पथ परिष्कार। उत्तर पूर्वांचल पर केंद्र सरकार का बड़ घोषणा। मणिपुर इम्फाल में निर्माण होगा क्रीड़ा विश्वविद्यालय। विश्वस्तरीय खेलाड़ी सृष्टि करने लक्ष्य था कहले केंद्र क्रीड़ा। डिसेंबर 13 में काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लोकार्पण कार्यक्रम में सामिल होते 3,000 साधु संत। देशर 51,000 स्थान सीधा प्रसारण करेगा बीजेपी। जनवरी 14 जाए काशी में प्रतिदिन उत्सव। संपूर्ण खबर को आसीबा। उत्तर प्रदेश रु देश को 10,000 कोटी रा विभिन्न प्रकल्प भेटीदेले प्रधानमंत्री। गोरखपुर रे एम्स हॉस्पिटल सार कारखाना उद्घाटन करा जाइछि। प्रति जिल्ला रे मेडिकल कॉलेज निर्माण रा लक्ष्य धार्य करा जाइछि। तबे डबल इंजन सरकार रे विकास रा गति द्विगुणित होई पारिबो बोली मोदी मत प्रकाश करिछंती। ए अवसर रे विरोधी समाजवादी पार्टी को टार्गेट करिछंती प्रधानमंत्री। केवल शासन भार पई लड़ाईत थिबा पूर्व सरकार हेउछंती उत्तर प्रदेश पई रेड अलर्ट। इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नुआ भारत रे सबु किछि संभव। गरीबों को उन्नति सरकार करो मूल लक्ष्य। देशर अर्थनीतिर विकास और रोजगार क्षमता वृद्धि दिगरे प्रस्तुत सरकार। जहां समस्तंक पाखरे पहुंची थाए ताहा ही प्रकृत विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार उत्तर प्रदेश गोरखपुर ठारे 96,000 कोटी टंकार परियोजनार शुभारंभ करिछंती। वर्ष धरी बंद रही सार कारखानार उद्घाटन करने अवसर में यह उत्तर प्रदेशवासी एक बड़ा उपहार बोली कहते प्रधानमंत्री। यही प्लांट कृषि आवश्यकता को पूरण करने सहित राज्यर अर्थनीति को उन्नत कर और रोजगार क्षमता को बढ़ावे साहाज्यपर। गोरखपुर खाद कारखाने की बहुत बड़ी भूमिका देश को यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में भी होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में बन रहे 5 फर्टिलाइजर प्लांट शुरू होने के बाद 60,00,000 टन अतिरिक्त यूरिया देश को मिलेगा। राज्य रे डबल इंजन सरकार रहिले राज्यर उन्नति डबल होई परिबो। सरकार गरीबों को उन्नति पई सबुबेले मनरु चिंता करी आसुछंती। पूर्व सरकार को समय रे यूरिया पई चासी मानंकु अनेक असुविधार सम्मुखीन हेबाकु पडुथिला। किंतु वर्तमान सरकार को प्रकृष्ट पदक्षेप हेतु यूरिया रो उत्पादन बढ़ी पारिछि। भारत को हजारों करोड़ रुपये विदेश नहीं भेजने होंगे। भारत का पैसा भारत में ही लगेगा। यही अवसर रे विरोधी समाजवादी पार्टी को टारगेट करिछंती प्रधानमंत्री। केवल शासन पई लड़ाई तो थिबा पूर्व सरकार हेउछंती उत्तर प्रदेश पई रेड अलर्ट। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए अपनी तिजोरी भरने के लिए अवैध कब्जों के लिए माफियाओं को खुली छूट देने के लिए
लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। यही अवसर रे प्रधानमंत्री सहित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदी बेन और अन्य माने उपस्थित रही थे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। कोरोनार नुआ वेरिएंट ओमिक्रॉन चिंतार विषय होईछि। एहार भितर भारत पई आसीछि भल खबर। 558 दिन परे देशरे चिन्हट होईछि सर्वनिम्न कोरोना केस। देशरे गोटिए दिन रे कोरोनारे 6822 नुआ केस चिन्हट। सेभळि देशरे आक्टिव केस लोड 554 दिन रो सर्वनिम्न संख्या रे अछि। केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय रिपोर्ट आधार देशरे वर्तमान आक्टिव केस लोड 95014, जहां समुदाय मामलार 0.27%। सेभळि भाबरे देशरे दैनिक पॉजिटिविटी हार जदि कहिबा 0.94% रहिछि। गत 64 दिन धरि देशरे दैनिक पॉजिटिविटी हार 2% रु कम रही आसुछि। सेभळि देशरे साप्ताहिक पॉजिटिविटी हार 0.78%। गत 23 दिन धरि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट रहिछि 0.78%। बार जन सांसद को कहीं चलित अधिवेशन निलंबित करा जाई तार स्पष्टीकरण दियागले भी आज पर्यंत धारणा रे बसी रही विरोधी। गत मौसमी अधिवेशन समय रे विश्रुंखलित आचरण जो चलित शीत अधिवेशन रे विभिन्न दलर 12 जन सांसद को करा जाईथिला निलंबित। तेबे संसद को क्षमा मागिबा परे पुणी गृह को सदस्य माने फेरी पारिबे बोली शर्त मध्य रखा जाई। मात्र एहा को मानु नाहंती विरोधी एवं जारी रखिछंती सेमानकर धारणा और नाराबाजी। सेमानको पुणी आज परामर्श देइछंती केन्द्र संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी। शर्त मुताबक संसद को क्षमा मागी गृह कार्य रे भाग नेबा पई देइछंती परामर्श। कोरोनार नुआ प्रकार ओमिक्रॉन को नहीं चिंता प्रकट करिछंती स्थलसेना मुख्य एम एम नरवणे। स्थलसेना मुख्य कहिछंती जेउ भली भाबरे नुआ वेरिएंट सामना को आसुछि एथिरे जणा पडुछि जे कोरोना एबे शेष होइ नाही। कॉटन रेजर पैनिक्स 21 को संबोधित करी एहा कहिछंती स्थलसेना मुख्य। पैनिक्स 21 हेउछि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, भारत को नहीं बहुदेशीय विपर्जय परिचालना अभ्यास। महामारी कोरोना समय रे रिलीफ जोगाण उपरे एथिरे विशेष गुरुत्व दिया जाइछि। एथिसहित स्थलसेना मुख्य कहिछंती महामारी समय रे भारतीय सेना लोकंक पाखरे आवश्यक सहायता पहुंचाइबा पई सरकारंक प्रयास रे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। देशर दूर दूर स्थान रे पहुंची लोकंक सहाय्य करिछि। Indicate that the site is far from over. Supply chains have been badly disrupted and the economic losses have crippled economies worldwide, impacting lives and livelihoods. A range of aggravating factors such as climate change, unplanned urbanization, underdevelopment, poverty, as well as the threat of the pandemic will result in an increased frequency, complexity and severity of disasters in the future. In many regions, the suffering from protracted armed conflicts have been magnified manifold due to the onslaught of natural calamities. I would like to highlight that during the ongoing pandemic situation, the Indian Armed Forces were fully enmeshed in the whole of government effort to provide necessary support. Due to our wide footprint, we were quick to reach the remotest parts of our country. The entire effort could be successful only due to the mutual collaboration and cooperation between all stakeholders, all ministries, and on account of well-rehearsed drills and well-orchestrated resource management plan, which resulted in somewhat mitigating the impact of the pandemic. पारादीप आईओसीएल रे निवेश करिबो रुषिया। पुटिन मोदी मीटिंग परे चुक्ति होईछि स्वाक्षरित। प्रधानमंत्री को पूर्वोदय मिशन रे धर्मेंद्र प्रधान को प्रयास रो सुफल मिलिछि। यहा द्वारा ओडिसा रे हजार हजार कोटी रो पूंजी निवेश पाई बाट फिटिछि। रूस राष्ट्रपति पुतिन को भारत गस्त। प्रधानमंत्री को पूर्वोदय मिशन रे
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ମିଳିଲା ସୁଫଳ। ପାରାଦୀପ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ରିଫାଇନରିରେ ରୁଷ କରିବ ବ୍ୟାପକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। 21ତମ ଭାରତ ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 28ଟି ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ପାରାଦୀପସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କାରଣରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବୋଦୟ ମିଶନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହୋ, ବିହାର ହୋ, ବଙ୍ଗାଳ ହୋ, ନର୍ଥ ହୋ, ଓଡ଼ିଶା ହୋ, ଏ ସାରେ ହମାର କ୍ଷେତ୍ର ଅପାର ସମ୍ପଦା ହେ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦା କି ଭଣ୍ଡାର ହେ, ୟହାଁ କେ ଲୋକ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହେ, ଶକ୍ତିବାନ ହେ, ପ୍ରତିଭାବାନ ହେ, ଲେକିନ ଅବସର କେ ଅଭାବ ମେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହମାରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ରହା ହେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭ୍ଲାଡିଭଷ୍ଟିକ୍ ଗସ୍ତ ପରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବିବୃତ୍ତିରେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷରେ ତୈଳ ଓ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିଥିବା ଉପଲବ୍ଧି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 2019 ଅଗଷ୍ଟ ଓ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମସ୍କୋ ଏବଂ ଭ୍ଲାଡିଭଷ୍ଟିକ୍ ଗସ୍ତ କରି ତୈଳ ଓ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ରୁଷରୁ କୋକିଂ କୋଲ ଆମଦାନୀ, ମସ୍କୋଠାରେ ଭାରତ ଏନର୍ଜି ଅଫିସ୍ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପରେ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ଏକ ଡୁଆଲ୍ ଫିଡ୍ କ୍ରାକର ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ ଏବଂ ରୁଷର ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ କମ୍ପାନୀ ସିବୁର ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଲାବୋରେସନ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପାରାଦୀପରେ ରୁଷର ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନେଇ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅଗ୍ରଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 6ଟି ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ବିବିଧକରଣ ନୀତି ଆଧାରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ରୁଷଠାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଜାରି ରଖିବ। ସେହିପରି ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଷସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ ଆଇପି ବାଡେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସେଲ୍, ଜେଏସ୍ପିଏଲ୍ ଏବଂ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମେଟାଲୋଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ଭାବେ ସହଯୋଗୀ ହେବେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଏକାଧିକ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ବିବୃତ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରତିଫଳନ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ପରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଦେଶିକ ଗସ୍ତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଜେନିଭା ଯିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରୁ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ରହିଆସିଛି। ରୁଷ 1960 ଏବଂ 1970 ଦଶକରେ ଭାରତର ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ, ଇସ୍ପାତ, ଶକ୍ତି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଣବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସମୟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା ପଜିଟିଭ ଭାରତକୁ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ସେନା ପତାକା ଦିବସ ବା ଆର୍ମଡ୍ ଫୋର୍ସ ଫ୍ଲାଗ୍ ଡେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଦେଶର ବୀର ଯବାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥାନ୍ତି ଦେଶବାସୀ। ଏ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଡିସେମ୍ବର ମାସକୁ ଗୌରବ ମାସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। भारतीय सशस्त्र सेनाएं देश की सुरक्षा का मजबूत आधार हैं और उनका सभी भारतीयों के हृदय में एक विशेष स्थान भी है। हर साल की तरह इस साल भी हमारा देश 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मना रहा है। इस दिन हम
अपने वीर सैनिकों को और उनके सर्वोच्च बलिदान को स्मरण और नमन करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। इस दिन हम सशस्त्र सेना ध्वज को अपने राष्ट्र नायकों के सम्मान में बड़े गर्व के साथ अपने सीने पर लगाते हैं। यह ध्वज हमें उनके त्याग और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण की याद दिलाता है। साथ ही यह दिन हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि जिन सैनिकों ने राष्ट्र रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी है, उनके परिवारजनों का कल्याण भी न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड वह स्रोत है जिसे पूर्व सैनिकों, दिव्यांग सैनिकों और उनके आश्रित परिवारजनों के कल्याण, राहत और पुनर्वास से संबंधित योजनाओं को चलाया जाता है। इस वर्ष रक्षा मंत्रालय द्वारा इस पूरे माह को गौरव माह के रूप में मनाया जा रहा है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि केवल 7 दिसंबर ही नहीं बल्कि यह पूरा महीना गौरव माह के रूप में मनाएं और यह ध्वज धारण कर आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड में उदारतापूर्वक योगदान भी करें। केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा किया जा रहा यह सराहनीय प्रयास हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के हित में की जा रही एक नेक और देशभक्ति से परिपूर्ण पहल है। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सभी श्रद्धांजलि एवं सम्मान के रूप में केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा संचालित कोष में बढ़ चढ़कर आर्थिक योगदान करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। काशी दुनिया सबुठ पुराना शहर काशी प्रभु शिवंक मंदिर सह आखपाखर दृश्य एवं यार पुनर्निर्माण काम शेष पर्यायर पहुंची। संत कबीर एवं गोस्वामी तुलसी दास सहित बहु संथों पवित्र भूमि होउछि काशी। अनेक वर्षरु यार पुनर्निर्माण कार्य शेष हो नथिला किंतु प्रधानमंत्री मोदी यार दायित्व नेबा परे संपन्न हेबाकु जाउछि काम। काशी पुनर्निर्माण एवं काशी विश्वनाथ करिडोर भव्य स्वरूप को लोकार्पण को स्वतंत्र करने को जाउछि बीजेपी। ये निजे प्रधानमंत्री मोदी काशी गस्त करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी डिसेंबर 13 में मंदिर करेंगे लोकार्पण। ए कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3000 संत उपस्थित रहिबे। यहाँ 10 दिन पर्यंत चलो कार्यक्रम। काशी दीपावली भली उत्सव पालन करा जिबो। डिसेंबर 13 तारीख पर 5 लक्ष घरे बाबा विश्वनाथ प्रसाद एवं काशीर इतिहास को नहीं पुस्तिका बंटा जिबो। काशीर 13 डिसेंबर आरंभ होगा यह कार्यक्रम। देशर 51,000 स्थान में बीजेपी पक्षर सीधा प्रसारण होता। डिसेंबर 13 और 14 तारीख में काशी बीजेपी समस्त मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सम्मेलन में जोगदे। 12, 13, 14 डिसेंबर काशी समस्त मठ मंदिर को सुसज्जित कर। जो भव्यता है, जो दिव्यता है, जो काशी का पौराणिक इतिहास है, जो लोगों के मन में जुड़ाव है, उस जुड़ाव को डिजिटल माध्यम के साथ हम जोड़ेंगे। और अब आप सबको भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी काशी आइए। काशी के उस भव्यता को तो हम वर्षों से, दिव्यता को तो हम वर्षों से देखते और सुनते आए हैं। एक व्यक्ति जब संकल्प लेता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, और वह कैसे एक प्राचीन नगर को वापस उसका स्थान दिलाता है, उसका परिचय आपको वहां मिलेगा। दीर्घ दिन हेब आखिदृश्य भाव में सुधुरी पारिनी दिल्लीर वायु प्रदूषण स्थिति। लगातार चिंताजनक स्थिति रे रही राजधानी सहरर वायु प्रदूषण स्तर। वायुमंडल रे धुआं एवं धूलिकणा जो समस्या रे दिल्लीवासी। दिनर अनेक समय पर्यंत दृश्य होनी अल्प दूरतार वस्तु। यहाँ बेस चिंता व्यक्त करिसेंती दिल्ली बासिंदा। क्यों कारण जो वायु प्रदूषण अधिक होउची, किभळी यहार निराकरण कराजाय पारिब, सबुदिनिया उपाय बाहर करिहेब, एथिपई परामर्श देइछेंती दिल्ली बासिंदा।
पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, इवन वी कैन फील हमारे लंग्स में ब्रीदिंग वो चीज नहीं रही है जो पहले होती थी, इवन आफ्टर कोविड ऑल्सो, और ये पॉल्यूशन इकट्ठा एक किस्म से इट्स अ मिक्स विच इज मेकिंग एवरीबडी सिक अलॉट. एंड आई एम बिलीव नोबडी इज थिंकिंग अबाउट इट. सब एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते हैं, कोई सुनता नहीं है. गाड़ियाँ कितनी चल रही हैं, देयर शुड बी अ स्टॉपेज ऑन कार्स, और रैशनिंग करनी चाहिए गाड़ियों पे. इमिशन कम होनी चाहिए, जितनी इमिशन कम होगी उतनी हमारे यहाँ पे हम ब्रीथ कर पाएंगे. उत्तर पूर्वांचल केन्द्र सरकार को बड़ अवदान, से अंचल खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने को जाई मणिपुर इम्फाल ठारे निर्माण होगाक जाउछि क्रीड़ा विश्वविद्यालय. ए बाबद आज संसद में सूचना देखते केन्द्र क्रीड़ा मंत्री अनुराग ठाकुर. विश्वविद्यालय काम जारी रही, विश्वस्तरीय खेलाड़ी को सृष्टि करार लक्ष्य रही. संसद में एक लिखित प्रश्नर उत्तर रखी यह कहते केन्द्र क्रीड़ामंत्री. माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की ओर जब पहले ये कहा था कि पूर्व की सरकारों में लुक ईस्ट की बात चलती थी, हमने ईस्ट ईस्ट की बात की है और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 550 करोड़ रुपए की लागत से वहां बनाने के लिए नींव पत्थर भी रखा. मणिपुर के इम्फाल में ये नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, और कोविड के कारण जो पिछले कुछ दिनों में कमी आई है, लेकिन आप देखेंगे इसमें प्रगति बहुत तेजी से होगी और देश को अपनी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलेगी. उछुली आज शेयर मार्केट कोविड तथा ओमिक्रॉन वेरिएंटर भय सत्वे आज मुंबई शेयर बजार में देखा मिलता उत्साहजनक कारबार. सेनसेक्स 300 पॉइंट ऊपर रही देखा मिली. बैंकिंग एवं फिनान्सियाल ऑटो सेक्टर समेत प्रायतः अन्य सब सेक्टर शेयर रही उच्च. दुई दिन शेयर बजार में मंदावस्था देखा मिलता. ए उछुलता आज देखा मिली, जहां आगक जारी रही बजार विशेषज्ञ मैंने आकलन कर. मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो सेंसेक्स है वो 300 पॉइंट से ऊपर है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव थे. और दूसरा, आज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, मेटल एंड ऑटो स्टॉक्स की वजह से सेंसेक्स में काफ़ी तेज़ी 350 पॉइंट से ऊपर है चल रहा है. और सारे सेक्टर्स पॉजिटिव ग्रीन में है एक्सेप्ट FMCG. तो मोर ऑर लेस हमने ये देखा है कि जब भी कल की जो गिरावट देखी, फ्राइडे को भी गिरावट थी, तो जब भी भारी गिरावटें आती हैं दो तीन दिन और करेक्शन आता है ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स सेलिंग, एक सर्टेन लेवल पे हमने देखा है कि फिर से बाइंग इंटरेस्ट मार्केट में आता है और बाइंग शुरू हो जाता है. सो उम्मीद रखता हूँ कि आज का दिन पॉजिटिव रहे. पॉजिटिव भारत को इच्छा के बाद विदा दियंतु. नमस्कार.